भारत सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को नहीं। अरे भाई, हम कहां बोलता है कि हमको अधिकार है? राज अलग हो गया, बोला अच्छा चलो राज तो अलग हो गया, सरकार कहां बना पाएगा? सही में 20 साल तक टुकुर टुकुर खड़े रहे, सरकार कहां बना सके? लेकिन फिर हम लोगों ने मुट्ठी बांधा तो वो भी दिखाया कि हम सरकार भी बना सकते हैं, और आज मजबूती से यहां पर मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। सभी राज अपने राजवासियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की योजना बनाता है, और झारखंड के साथ क्या दुर्भाग्य है कि यहां कानून बनाता है, यहां के स्थानीय नौजवानों को नियुक्ति प्राथमिकता पर मिले इसका कानून बनाता है, तो यूपी बिहार के लोगों का पेट में दर्द होता है। मतलब इन लोग को लगता है कि इस देश का सब आदिवासी दलित पिछड़ा लोग एकदम बोका है। हम जानता है भाई, हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम सबको बेवकूफ बनाओ और बोका बना करके चल दो। लेकिन आज हम जो कहते हैं वो असंवैधानिक है। ये सब शुरू से ही जो सामंती सोच वाला लोग है ना, ये शुरू से ऐसे ही हम आदिवासी दलित पिछड़ों का हस करता रहा है। राज अलग करने का बात होता था उसमें भी बोलता था ये असंवैधानिक है। राज अलग हो गया, बोला अच्छा चलो राज तो अलग हो गया, सरकार कहां बना पाएगा? सही में 20 साल तक टुकुर टुकुर खड़े रहे, सरकार कहां बना सके? लेकिन फिर हम लोगों ने मुट्ठी बांधा तो वो भी दिखाया कि हम सरकार भी बना सकते हैं, और आज मजबूती से यहां पर मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। ये भी बोलता था अच्छा चलो सरकार बना लिया, सरकार थोड़ी चला पाएगा, और शुरू से सरकार गिराने के लिए कभी ये टांग लगा देगा, कभी वो टांग लगा देगा, कभी उधर से भी लगा देगा, कुछ कर देगा, अजीब हालत। मतलब इन लोग को लगता है कि इस देश का सब आदिवासी दलित पिछड़ा लोग एकदम बोका है। हम जानता है भाई, हमारा समाज बहुत पिछड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम सबको बेवकूफ बनाओ और बोका बना करके चल दो। सभी राज अपने राजवासियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की योजना बनाता है, और झारखंड के साथ क्या दुर्भाग्य है कि यहां कानून बनाता है, यहां के स्थानीय नौजवानों को नियुक्ति प्राथमिकता पर मिले इसका कानून बनाता है, तो यूपी बिहार के लोगों का पेट में दर्द होता है।